अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम, उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल विक्रोली की तालिबा हूँ। आज सावित्री बाई फुले की यौम पैदाइश के मौके पर मैं तालिब इस्वा और सावित्री बाई फुले पर एक तकरीर पेश करना चाहती हूँ। तदबीर से तकदीर बदल देते हैं अक्सर, तदबीर से तकदीर बदल देते हैं अक्सर वो लोग जो हौसला हारा नहीं करते। जी हाँ सामिन, मैं बात कर रही हूँ उस अजीम औरत की जिन्हें हम औरतों की पहली खातून मुअल्लिमा के नाम से याद करते हैं। वो नाम है सावित्री बाई फुले का, जिन्हें भारतीय इस्वानियत की माँ कहा जाता है। उनकी पैदाइश 3 जनवरी 1831 में नाई गाँव में हुई, जबकि उनकी वफात 10 मार्च 1897 को हुई। भारत में पसमांदा तबकों को तालीम से महरूम करके हजारों साल तक गुलाम बनाकर रखा गया, मगर सावित्री बाई फुले ने तालीम को इस गुलामी से आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बनाया। सावित्री बाई फुले ने कहा था कि तालीम ही औरत का जेवर है और तालीम के जरिए औरत समाज में अपने मकाम को हासिल कर सकती है। औरतों को तालीम देना, बेवाओं की दूसरी शादी की हिमायत करना, ऐसे काम उन्होंने उस वक्त किए जब समाज में औरतों को हकीर समझा जाता था, उन्हें तालीम से महरूम रखा जाता था और बेवाओं की अस्मत दरी को आम समझा जाता था। तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, तू आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसों, साचे में हर एक गम के चुपचाप धनी बरसों। लेकिन किसी भी अजीम काम को पूरा करने के लिए किसी रहबर या रहनुमा की ज़रूरत होती है, जो हमें सही रास्ता दिखाए, हमें उम्मीद की रूह फूके और साथ ही हमारे हौसले को बुलंद करे। और खुशकिस्मती से महात्मा ज्योतिबा फुले, जो भारत में सामाजिक सुधार कारकुन के तौर पर मारूफ है, उन्होंने सावित्री बाई फुले का कदम कदम पर साथ दिया। अपनी बीवी सावित्री बाई फुले को तालीम देने के बाद भारत ने अगस्त 1848 में पहला निस्वा स्कूल कायम किया। सावित्री बाई फुले ने भारत में जात पात का निज़ाम, खवातीन खुसूसन बेवाओं की बहबूद तरक्की और छूत छात का खात्मा जैसे अहम काम किए। हर बिरादरी और धर्म के लिए काम करते हुए सावित्री बाई फुले जब अपने घर से औरतों को पढ़ाने के लिए निकलती तो लोग उन पर गंदगी के ढेर डालते, गोबर फेंकते। सावित्री बाई फुले अपने थैले में एक साड़ी लेकर चलती थी और स्कूल पहुँच कर वो गंदी साड़ी बदल देती, मगर अपनी मंजिल पर चलते हुए उनके पैर कभी नहीं डगमगाए। वो मुश्किलात का सामना करती, हालात से लड़ती और उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती रही। जिसको तुम कहते हो खुशबख्त सदा मजलूम, जिसको तुम कहते हो खुशबख्त सदा है मजलूम, जीना हर दौर में औरत की खता है लोगों। सावित्री बाई फुले ने जात पात और जिनसी इम्तियाज को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए। हिंदुस्तान की मरी हुई या मार दी गई औरतों को रिवाज को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मर्दों के जालिम समाज से हामला बेवाओं को इंसाफ दिलाकर उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल कायम की। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। आइए आज उनकी यौम पैदाइश के लिए ये अहद करें कि औरत की अजमत को तह दिल से अपने दिल में जगा देंगे, उनके जज्बों की कद्र करेंगे, हर नेक मकसद में उनका साथ देंगे। माँ बीवी बहन बेटी के रूप में मिली इस औरत पर होने वाले जुल्म को रोकेंगे और उनको दिए गए हुकूक को दिल से मानेंगे। और आखिर में मैं सावित्री बाई फुले को अपना रहबर तस्लीम करते हुए इन अशआर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगी कि जर्रों में रहगुजर की चमक छोड़ जाऊंगी, जर्रों में रहगुजर की चमक छोड़ जाऊंगी, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगी, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।